दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि चीन की जो नीति है पूरी तरीके से विस्तारवादी नीति है, और कहीं ना कहीं चीन की इस विस्तारवादी नीति से आज जो है पूरी दुनिया पूरी तरीके से परेशान है, और ख़ास करके वह तमाम देश परेशान है जिनकी सीमा जो है चीन से लगती है, या फिर वह देश भी परेशान है जिनकी सीमा जो है चीन से नहीं लगती है, क्योंकि चीन जो है बहुत सारे देशों को जो है जाल में उलझा करके रखा है, उन तमाम देशों को जो है बहुत सारे देशों के साथ उसकी सीमा विवाद है, तो बहुत सारे देशों को जो है वह अपना देश ही मानता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं भूटान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भूटान हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका रिलेशन जो है भारत के साथ बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा मजबूत भी है, लेकिन यहाँ पर जो है चीन अब भूटान की ओर भी अपना नज़र गड़ा रहा है, और कहीं ना कहीं भूटान के 2 किलोमीटर अंदर तो घुस चुका है और भूटान में अपना एक गाँव भी बसा चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो कल जो है दिन भर में ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था वह था #भूटान, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग जो भूटान को लेकर ट्वीट कर रहे थे, और खास करके भारत के बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि चीन जो है एक इतना बड़ा देश होते हुए भी जो है छोटे छोटे देशों पर जो अपना अधिकार जमाना चाहता है, उसके अंदर दखलअंदाजी करता है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर अपना ताकत के दम पर जो है उसके अंदर भी आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हम लोग करने वाले हैं आज इसके बारे में कि भूटान के 2 किलोमीटर अंदर एक गांव बसा चुका है चीन, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बल्कि चीन के एक बहुत ही बड़ा मीडिया न्यूज़ चैनल का नाम है, जिसका नाम है CGTN, और उस चैनल का प्रोड्यूसर जिसका नाम है स्यू स्यूई, और उन्होंने जो है कल एक ट्वीट किया था, और कहने के उस ट्वीट में उन्होंने ऐसा कहा है कि चीन जो है नेपाल से ऐसा चीन मानता है कि जो है जिस क्षेत्र में उस गाँव को बनाया है वह जो है भूटान में नहीं है, लेकिन वास्तविक में बात यह है कि चीन जिस गांव की बात कर रहा है, चीनी मीडिया जिस गांव की बात कर रहा है, वह गांव जो है पूरी तरीके से भूटान में है, और कहना कि भूटान के 2 किलोमीटर अंदर है, और यह जानकारी खुद जो है चीनी मीडिया ने दी है, और चीनी मीडिया ने कल एक चीनी मीडिया के एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर ने ट्वीट करके ऐसा कहा था कि जो है चीन ने जो है यानी कि डोकलाम से 9 किलोमीटर दूर जो है एक गांव को बसाया है, और कहने के वहां पर बहुत तेजी से विकास भी कर रहा है, वहां पर अपना मिलिट्री बेस भी बना रहा है, ऐसा कहा था वहां पर चीन के एक मीडिया के प्रोड्यूसर ने। तो आप लोग भी यहां पर जो है नेम मैप को देख सकते हैं और ट्वीट को भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने यह ट्वीट किया था तो ट्वीट करने के बाद जो है भारत हो जाए, भूटान हो जाए, फिर चीन हो जाए, इन तमाम जो पड़ोसी देश है इन तमाम जगहों पर जो है आंख की तरह बात फैलने लगी कि चीन जो है भूटान में 2 किलोमीटर अंदर एक गांव को बसा चुका है, वहां पर जो है मिलिट्री बेस को भी बसा चुका है, और कहीं ना कहीं कल जो है बहुत सारे लोग इसी को लेकर ट्वीट कर रहे थे, और इसी कारण #भूटान बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी था, क्योंकि भारत के भी बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि चीन जो है भूटान के साथ गलत कर रहा है और भारत सरकार को भूटान का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर 100% यह बात पूरी तरीके सच है कि चीन जो है नेपाल भूटान के 2 किलोमीटर अंदर आ चुका है और वहाँ पर एक गाँव बसा चुका है, लेकिन वहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से जिस जगह पर चीन अपना गांव को बसाया है वह जगह भारत से भी दूर नहीं है, भारत से भी बहुत ही नजदीक है, और उसी जगह पर जो है जिस जगह पर चीन ने यह गांव बसाया है उसी जगह पर 2017 में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच जो है झड़प भी हो चुकी है, वहां पर जो है इसी विवाद को लेकर डोकलाम के इस क्षेत्र को लेकर, और वह गांव जो है डोकलाम के क्षेत्र में ही आता है और वह क्षेत्र जो है पूरी तरीके से भूटान में है। तो दोस्तों यहां पर हम लोग इस बात से बस एक ही बात निकलता है सामने इस बात से कि चीन जो है जिस प्रकार से अपने विस्तारवादी नीति से पड़ोसी देशों को तंग कर रहा है, पड़ोसी देशों के साथ जो है अपना संबंध को खराब कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं चीन को ही घाटा है, और कहीं ना कहीं भारत चीन यह भूल रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो उसको उसी की भाषा में जवाब दे सकता है, और कहने का भारत ऐसा करके रहेगा अगर चीन अगर भारत की तरफ आंख उठा के देखता है और भारत की अगर संप्रभुता को, संस्कृति को, या फिर भारत के क्षेत्र को इससे खतरा पैदा होती है तो चीन को उसी की भाषा में भारत जवाब देगा और 100% देगा। अब दोस्तों यहां पर दूसरी खबर के बारे में बात कर लेते हैं, तो यह दूसरी खबर यह है कि दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि नेपाल और भारत की जो रिश्ता थी को पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन बीच में जो है चीन के आने के कारण जो है नेपाल और भारत का रिश्ता चीन ने तोड़ दिया और कहना कि यहां पर दरारें पैदा हो गई, लेकिन अब जो है धीरे धीरे भारत और नेपाल की रिश्ता सुधर रही है, और कहना कहीं जिस प्रकार से भारत और नेपाल की रिश्ता सुधर रही है तो शायद चीन को यह बात हजम
कम नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर, जैसे कि हम सभी को पता कि अभी जो है हमारे देश के विदेश सचिव यानी कि हर्षवर्धन जी जो है नेपाल का दौरा करने वाले या फिर वहां पर गए हैं, तो यहां पर जस्ट भारतीय विदेश सचिव जिस प्रकार से नेपाल का दौरा कर रहे हैं, तो इसी को लेकर जो है यहां पर चीन के विदेश मंत्री भी अब जो है नेपाल का दौरा करने वाले हैं। और यहां पर बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत और नेपाल की रिश्ता फिर से एक मजबूत स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, तो इसी कारण जो है अब यहां पर फिर से चीन जो है भारत और नेपाल की रिश्ता को तोड़ना चाहता है, दरार पैदा करना चाहता है। और कहीं ना कहीं इसमें अब भारत जो है चीन को कामयाब कभी भी नहीं होने देगा। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि नेपाल और भारत का रिश्ता जो है एक कुछ क्षेत्र को लेकर जो है यहां पर विवाद हो गया था, जिस कारण नेपाल के प्रधानमंत्री पीएम ओली ने एक ऐसा ट्वीट किया था जिसमें जो भारत के कई क्षेत्रों को जो है अपने देश नेपाल में बताया था। और कहीं ना कहीं उस ट्वीट के बाद जो है भारत और नेपाल का संबंध पूरी तरीके से लगभग टूट चुका था, दरार आ चुकी थी, दोनों देशों के लोग जो है एक दूसरे के देश के लोगों को गालियां दे रहे थे और कहीं ना कहीं यहां तक कि गोलीबारी तक नौबत आ गई थी। नेपाल ने जो है भारत के कई नागरिकों के ऊपर जो है गोली भी चला दी थी। तो ऐसी स्थिति में भारत और नेपाल की जो यहां पर रिश्ता थी पूरी तरीके से चीन के कारण खत्म हो चुकी थी, दरार आ चुकी थी। लेकिन जिस प्रकार से कुछ दिन पहले दशहरा गया तो उस समय जो है फिर से पीएम ओली ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में जो है वहां पर सिर्फ अपने नेपाल के नक्शे को ही दिखाया, तो यहां पर इससे संकेत एक मिला कि अब शायद जो है पीएम ओली भारत से अपना संबंध ठीक करना चाहता है। तो इसी प्रकार जो है धीरे धीरे भारत और नेपाल की संबंध फिर से शुरू होना, मतलब अच्छा होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन चीन की नजर यहां पर फिर से एक बार बुरी पड़ चुकी है और चीन फिर एक बार जो है भारत और नेपाल की इस दोस्ती से शायद उसे हजम नहीं हो रही है और तोड़ने में पूरी तरीके से लगा हुआ है। लेकिन यहां पर चीन भूल रहा है कि भारत उसे उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूं और कहने का हर एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इसी बारे में जानकारी देता हूं। तो दोस्तों मैं जितनी भी सारी बात आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया हूं, अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।